नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और संजय मिक्सटेक में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ चेंसा के बारे में। यह एक चेंसा मशीन है जो कि लकड़ी काटने के काम में आती है और ये नई है। मैं इसको दिखाता हूँ कि जब नई मशीन आती है तो उसको असेंबल कैसे करते हैं, क्योंकि इसके चेन वगैरह और जो भी पार्ट होते हैं वो सब अलग अलग आते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि नई चेंसा मशीन को हम कैसे असेंबल करके अपने काम में लाते हैं। तो देखिए, इसको हमने सबसे पहले तो इसको ओपन करते हैं। ये हमने ओपन कर दिया है। आइए देखिए, इधर आप ये नई चेंसा मशीन है जो कि इसके साथ में असेंबली आती है। देख लीजिए, ये इसकी गाइड बुक है जिसके अंदर सारा गाइडेंस दिया होता है। ये इसके पीछे पूरी ड्राइंग बनी होती है कि हम किस चीज़ को कैसे फिट करते हैं। और आइए हम इसको अब निकालते हैं। देखिए, इसके अंदर से इसकी इसमें चेन लगाते हैं, या चेन वाला स्टैंड है, चेन लगाते हैं। देखिए, इसका एक कवर है और यह इसकी चेन है। इसके अंदर एक लॉक दिया हुआ है और इसके अंदर एक की भी है जिससे हम इसके नट को टाइट करेंगे। इसमें एक पेचकस भी है जिससे हम इसके पेच को टाइट करेंगे। दोस्तों, तो ये सामान इसके अंदर निकला हुआ है और ये बॉक्स अब खाली है। आइए इसको हम एक साइड रख देते हैं और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चेंसा दो तरीके की आती है, मैं आपको बताऊँ। एक तो पेट्रोल से चलने वाला इंजन जिसके अंदर होता है, और एक लाइट से चलने वाला। तो ये जो मशीन है ये आपको दिख रही होगी, क्योंकि इसमें एक वायर दिया हुआ है जो कि लाइट का केबल है। इससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है, मशीन लाइट से चलती है। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस मशीन के साथ जो असेंबली आई है उसको हम कैसे फिट करते हैं और उसको चलने लायक कैसे बनाते हैं। ये इसका एक इसके अंदर देखिए लॉक है, इससे हम चेन टाइट करते हैं। जूम करिए, ये चेन टाइट करने के लिए है। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे हम चेन टाइट करेंगे। यह चेन ब्लॉक है जिसमें हम चेन अपनी लगाएंगे, और हम किस तरह से लगाएंगे आप देख लीजिए ज़रा। इसके अंदर ये जो कट बना हुआ है, यह कट लगा हुआ है, तो इस कट को हम क्या करेंगे, देखिए आप, इधर ये दो होल हैं, इस कट को इस बीच में रखेंगे हम। इसमें जो कट लगा हुआ है इसके अंदर और ये जो उभरा हुआ इसका पॉइंट है, इसको हम इस तरह से लगाएंगे। आप देख लीजिए, पहले इसको हम लगाएंगे, असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको आपने चेक कर लिया, और अब मैं पहले इसको चेन लगाना दिखाता हूँ आपको। देखिए, इसको हम इस तरह से लगाते हैं। इसमें यही एक देखिए नट के अंदर लॉक लगा हुआ है, मैं आपको चला के दिखा दूँ। इसमें यह पैच है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, चेन को ढीली और टाइट करते हैं। किस तरह से करते हैं आप यह भी देख लीजिए। इसको हम इस ग्रुप में इस तरह से फंसा देते हैं, यह फंस गया है, अपने आप ये आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें हॉल देख लीजिए, इसमें दो हॉल हैं और एक हॉल में इसको हम ऐसा लगा देते हैं। अब देखिए, यह भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताऊं यह काम कैसे करता है, आप ऐसा देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये लॉक है, इसमें हम पेचकस जैसा लगाएंगे, और अब मैं इसको पकड़ के दिखाता हूं, ज़रा जूम करके दिखाएं आप। देखिए आप, मैं इसको टाइट कर रहा हूं तो यह लॉक पीछे की तरफ आ रहा है, यह लॉक पीछे की तरफ ही आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसको हम जब लगा देंगे, इसको हम टाइट करेंगे तो आगे की तरफ खिसकेगा और हमारी चेन टाइट हो जाएगी। अभी मैं चेन लगा के भी दिखाऊंगा, पहले तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, क्योंकि चेन लगने के बाद आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसमें मैंने अभी चेन नहीं लगाई है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चेन को ढीला या टाइट कैसे करते हैं। तो यह तो बात होगी चेन को टाइट करने की। अब मैं इसको देखिए,
उल्टी दिशा में खोलना चालू करता हूँ तो यह लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, लॉक पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि यह जो हमारा चेन होल्डर लगा हुआ है वो भी पीछे की तरफ जाएगा अपना, वो भी पीछे की तरफ जाएगा। अभी आप देख लीजिए, मैं इसे करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए चेन होल्डर भी पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, हम अपने चेन को ढीली और टाइट इसी लॉक के माध्यम से करते हैं। और आइए अब मैं इसके ऊपर चेन लगा के आपको दिखाता हूँ कि चेन लगा करके किस तरह से हम ढीली टाइट करते हैं। कि मैंने इस तरह से चेन को लगा लिया है, इस गिरारी के ऊपर भी चेन आ चुकी है और इस होल्डर के ऊपर भी चेन हमने लगा दी है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि चेन को उल्टा और सीधा कैसे पहचाने कि हमारी चेन सही लगी है या गलत लगी है। तो सबसे पहले इतना आप ध्यान करें कि अभी हम इसको टाइट करते हैं। टाइट करने का मैंने तरीका आपको बताया था, इसके नीचे जरा दिखाएं, आप नीचे से दिखाएं पेंच का, इसमें पेंच लगा हुआ था, मैं इस पेंच को टाइट करना चालू करता हूँ। जैसे ही पेंच को टाइट करूँगा यह चेन भी हमारी टाइट हो जाएगी। अभी इसको हमें टाइट करना है, देखिए मैं इसको टाइट कर रहा हूँ और यह टाइट हो रहा है। अभी आप देखिए चेन हमारी हल्की सी टाइट हो गई है। अभी मैं फुल टाइट नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद मैं क्या करूँ। इसको हमारा जो ऊपर का कैप था उस कैप को हमें लगाना है।
देखिए यह अपनी मशीन असेंबल हो चुकी है और अब यह ब्रेक लगा के काम करने के लिए एकदम तैयार है। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने वीडियो के बीच में बताया था कि ये चेन हमारी जब हम लगाते हैं तो हमें कैसा पता चले कि यह उल्टी है या सीधी है। तो आप ज़रा जूम करके दिखाएं, इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ये छोटा वाला पॉइंट है या एक बड़ा वाला पॉइंट है। तो आप इधर देख सकते हैं, इसमें एक एरो लगा हुआ है कि हमारी मशीन इस तरफ इस दिशा में चलती है, इस दिशा में ऐसी चलती है। तो जब हमारी मशीन इस तरह से चलती है तो आप देख लें एरो वाली साइड में, ऊपर की साइड में हमें क्या करना है, यह चेन के अंदर हर प्लेट के ऊपर दो दो ग्रुप बने हैं। देखिए आप, इसके ऊपर दो ग्रुप हैं, इसके दो हैं, इसमें तो सभी में दो दो ग्रुप बने हैं। अभी आपको करना क्या है कि चेन का जो हमारा हिस्सा है, देखिए आप, छोटा वाला ग्रुप आगे की तरफ करना है, पीछे वाला ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है वो पीछे की तरफ करना है। देखिए आप, चेन में सभी जहाँ जहाँ दो दो ग्रुप हैं, हमें हर एक जो एक ग्रुप को हमें पकड़ लेना है, क्योंकि जब एक ग्रुप हमारा सही हो जाएगा तो चेन हमारी ऑटोमेटिक सीधी लग जाएगी। हमें क्या करना है कि छोटा वाला ग्रुप आगे की तरफ करना है और बड़ा वाला ग्रुप पीछे की तरफ करना है। हमारी चेन की जो राउंडिंग है इस पोजीशन में रहेगी और यह हमारी चेन लगाने का एकदम सही तरीका है। दूसरा मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि चेन को आप ना तो ज़्यादा ढीली करें। देखिए आप, थोड़ा सा इसमें मूवमेंट भी है, हल्का सा इसमें मूवमेंट है, एकदम टाइट ना करें और एकदम ढीली भी ना करें, क्योंकि यह चेन जब ढीली ज़्यादा आप कर देंगे तो यह ग्रुप से बाहर आ जाएगी, चलने में बाहर एकदम निकल जाएगी और जब हम चलाते हैं तो यह बहुत ख़तरनाक है, यह हादसे का कारण बनती है और यह बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हमको बना देती है। तो इस चीज़ का ध्यान करें, क्योंकि यह मशीन सावधानी से चलाने वाली मशीन है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें मेरा वीडियो, ताकि और लोगों को भी यह जानकारी मिल जाए जो नई मशीन लाते हैं, नहीं चला पाते हैं, असेंबल करना नहीं जानते हैं, तो भाई मेरे वीडियो के माध्यम से वो असेंबल करके मशीन के बारे में और सावधानी कैसे बरतना है, कुछ और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ पूरा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया हुआ है और आगे आने वाले समय में कुछ और वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा। अगर आप मेरा वीडियो और देखना चाहते हैं तो जब मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और जैसा ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा वह वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।